कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आज सांसद राजकुमार सैनी ने समानता सम्मेलन का आयोजन किया। सांसद सैनी के निशाने पर फिर से एक जाति विशेष रही। सांसद सैनी ने पिछड़ा वर्ग से अत्याचार न सहने और बड़े फैसले के बारे में सोचने की बात कही। सांसद साहब, सम्मेलन को क्या कहेंगे, क्या सफल रहा आपका प्रयास? जिस प्रकार का आक्रोश आज पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के ऊपर एक समानता सम्मेलन की आस्था रखने वाले लोग प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पांच पांच मुख्यमंत्रियों ने भेदभाव के चलते भाई भतीजावाद और जातिवाद फैलाया, आज उसके विरोध में ये सारा जनसैलाब था। और भविष्य में उन लोगों को हम ये समझा देना चाहते हैं कि अगर अंधा बंडे रेवड़ियाँ आप अपनों को दे, ऐसी व्यवस्था से ऊपर उठ करके पूरे देश को आज 100% आरक्षण की जरूरत है। अगर उन्हें जरूरत है तो सबको जरूरत है। वर्ष जो 2019 होगा उसके मिशन का आपने आगाज किया है, ये मिशन क्या होगा? वर्ष 2019 में जो चुनाव होंगे, उन चुनावों में आज हम जिनके साथ खड़े, दिल कर्म से खड़े, पर हमें पैसेंजर समझ करके ही हमारे हितों के साथ जो दादागिरी हुई, हम पे दबाव डाले गए और हमारे हकों के ऊपर आज भी जोर आजमाइश हो रही है। 2019 में जनता इसका पाई पाई का हिसाब लेगी और नेतृत्व जिसे जनता देना चाहेगी उसे दे देगी। ये कारवां बढ़ता जा रहा है। अगर रामलीला ग्राउंड में 1 लाख लोग थे तो आज यहाँ पर 2 लाख लोगों की आगमन था, और जब रामलीला ग्राउंड होगा तो वो हमारा इससे 2 गुना जनसैलाब लेकर के आएगा। और जनता 2017 से 2019 के परिणाम अपने आप बैठाना और उसके साथ जुड़ना तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सांसद राजकुमार सैनी, जो कुरुक्षेत्र में एक सफल सम्मेलन करने के बाद काफ़ी गदगद हैं और भावी रणनीतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कैमरामैन अरुण शर्मा के साथ कुलवीर दीवान से मीडिया कुरुक्षेत्र।